क्या हो गिन्नी, क्या हो, बाहर निकलना है तो खाने को दे रखा है तेरे को, क्या चाहिए और? ये मोटा कितना सियाना है, चुपचाप बाहर है इन, यहाँ तो बाहर निकलना है, बाहर छोड़ दोगे करीब थोड़ी देर, बिल्लो मुंडा मंगा लेंगे, सही बात है। Just a touch of artificial love, we just make it out, 'cause reality. सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अभी बिकाना। अभी बिकाना सुबह के 10:30, आपने हो गया ऑफिस के लिए रेडी। मैं निकल ही रहा था, मुझे लगा नाश्ता करके जाना है, बट मम्मी ने हमारे मस्त गर्मा गर्म रोटी और सब्जी मम्मी करी, खाना खा के जाता हूँ ताकि अगर 4-5 घंटे लगते हैं, शाम को 3, 4 और 6 हो जाता है, फिर रहेगा खाना खा करके, नहीं तो फिर बाहर खाना पड़ता है। तो खाने में मस्त बनाया मम्मी ने, देख लो आप, मस्त गर्मा गर्म रोटी है, साथ में आलू गोभी टमाटर मिर्ची की सब्जी। तो खाना खाते हैं, साथ में देखेंगे न्यूज़, फिर निकलते हैं फील्ड पे। तो गाइस फिलहाल जो है अपना आ गए फील्ड पर, और आज मेरी फील्ड की जो स्टार्ट हुई है ना, वो ये है हमारे मैनेजर साहब के साथ, सुशांक जी के साथ में। सीन कुछ ऐसा बना था, लक्ष्य मेरे साथ आ गया था, हम विजिट करने जा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा प्लान हुआ, कुछ दूसरे और काम आ गए थे ऑफिस के। सुशांक जी का फ़ोन आया कि भाई आओ, तो देखो काम स्टार्ट करने से पहले हमने स्टार्ट किया है ये सब। देखो हम पी रहे हैं जूस और साथ में खा रहे हैं फ्रूट सैलेड का जूस है। अच्छा आप पीछोगे है ना, मैं पीछूंगा लौकी का जूस, पिया लौकी का जूस, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता ना, हिम्मत कर सकता इतनी में। कैसा लगा सच में? आप पहली बार पिया ना? पहला पीते हो आप लौकी का जूस? आंवला डलवा के करके, मेरी तो हिम्मत नहीं होती, मैंने तो ये मजबूरी में पी रहा हूँ, ये साथ कुछ ना कुछ तो पीना पड़ेगा। ये ऑरेंज है या वो मौसमी है, मौसमी, तो ये जूस पीते हैं, सैलेड खाते हैं, फिर चलते हैं अपने यहाँ से। दुकान हम देखे उभरती हो, कितने रुपए का लगाते हैं? 1,30,000 का, ये 1,30,000 रुपए का। मेरे भाई ने भी लिया है ऐसा आईफोन, और ये कौन सा? 13 Pro। बस ठीक है, तो वीडियो बहुत हो गया, ज़्यादा नहीं है, मेरे हाथ से मोबाइल छीन नहीं सकता तुम। तो ये है दीपक स्वामी, जिसको मैं बता रखा है पहले भी। तो आज शशांक जी आए हुए हैं रेनो के शोरूम में गाड़ी देखने के लिए, ट्राइबर, और ये गाड़ी दिखा रहा नहीं है क्योंकि ये कच्चा खिलाड़ी है। मैंने तेरी बहुत तारीफ की थी, मैंने कहा सारा शोरूम भी, मैंने बोला था ना आपको, सब कुछ ये देखता है, लायक नहीं इसके, कुछ नहीं देखता है, इन्होंने मेरे को पूछा था कुछ नहीं देखता है, कुछ भी नहीं देखता है। शशांक जी को ड्राइवर लेनी है, बता बढ़िया कोई डील बता, कोई शानदार वाली, ऐसी दिवाली वाली के, ऐसी वाली दिवाली वाली, ये कौन सा बोला? अभी दिवाली में जो चल रही है डील, ऐसी दिवाली बता, ऐसी डील बता, ऐसी दिवाली बताएंगे हम आपको, ऐसी डील बता। शशांक जाते हो ये लो बुकिंग के 10,000 रुपये आपके। तो इस फिलहाल जो है हम दिला रहे हैं टेस्ट ड्राइव शशांक जी को, साथ में बैठे हैं, देखो ये कंपनी के मालिक बैठे हैं दीपक जी, और शशांक जी का विचार जो है काफ़ी अच्छा बन गया है काइगर को लेकर के। उसका रीज़न ये है काइगर की परफॉर्मेंस, ठीक है, फोकट के प्रमोशन कर रहे हैं हम, हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं यहाँ से, बट बहुत शानदार गाड़ी है, बहुत शानदार। हाँ लो ले, सीधी लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा पंच मिल रहा है शशांक जी चला करके, है ना? गाड़ी ऊँची बहुत है, हाँ मज़ा आ जाता है गाड़ी चलाने। डोमेस्टिक कनेक्शन जियो फाइबर के, डोमेस्टिक या फिर बाजार वाले, मार्केट वाले, कमर्शियल। तो फिलहाल जो है अपने आज सुबह से हेल्दी चल रहा है, सुबह से हेल्दी चल रहा है बिल्कुल, और मैं तो यही कहता हूँ कि कोशिश करें यही खाएं, हेल्दी खाएं। साहब रात में 2 बजे बारह गवार रोड है, रात में 2 बजे भी कचौड़ी बेहतर तरीके से चले पड़े, कचौड़ी नहीं खाओ तो आनंद। हाँ तो लोग तनाव में हो नहीं तो कचौड़ी खा ले जाते हैं, और राजस्थान तो जा रही है, राजस्थान तो जा रही है, शहर में तो तनाव दूर करने के लिए कचौड़ी खाई। मैं वही तो कहूँ, तो अगर थोड़ा सा तनाव होने के यार, थोड़ा स्ट्रेस, कचौड़ी खाना सही हो जाएगी। लक्षित तो गाइस फिलहाल जो है बज गए हैं 7, और आप विश्वास कीजिए मेरा कि अभी तक जो है ऑफिस में थे हम, आज बहुत ज़्यादा काम किया ऑफिस के अंदर में। ऑफिस में काम भी कर रहे थे साथ साथ में। आज के लिए मतलब आज का दिन ऐसा था कि हमें ऑफिशियल जो चीज़ें होती है ना, सेल्स के लिए काम करते हैं, सेल्स के लिए भागते हैं, सेल्स के लिए भाग रहे थे, आज भाग रहे थे ऑफिशियल चीज़ों के लिए। मैं बाल क्यों कट रहा हूँ मेरे, तो फिलहाल जो फ्री हो गए अपने। और अभी मैं कर रहा हूँ, मेरे को लगी भूख, तो कोई ना कोई एक बंदा जो है गोलगप्पे खिला दो। अब देखते हैं कि इनमें से जो है कौन हमें गोलगप्पे खिलाता है। चलो पूछते हैं गोलगप्पे कौन खिलाएगा आज। गोलगप्पे तो खिलाएगी, तो कर रही उंगली, तो खिलाएगा कौन खिलाएगा? तेरे व्रत है, मेरा थोड़ी है बेटा। मैं सैटरडे को आ जाऊँगा। गोलगप्पे खाएंगे अब है ना। शशांक जी खिलाएंगे गोलगप्पे। तो सीन ये बना कि हम खा रहे थे गोलगप्पे, हम पहुंच भी गए वहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमने गोलगप्पे खाए नहीं। क्यों नहीं खाए? क्योंकि ना गला मेरा वैसे ख़राब है और सबका मन करके था चाय पीने का। तो फिलहाल आ गए हैं चाय पीने के लिए। मैं, लक्ष्य, सुशांत जी, राहुल घर चला गया मेरा भाई। तो गोलगप्पे तो खाए नहीं हमने, हम पियेंगे चाय। तो गाइस चाय रेडी है हमारी सबकी। जय देखो कौन सी चाय है ये, तंदूरी चाय। छोरे का मुँह उतर गया हमारा तो यार। तो चलो चाय पीते हैं फिर निकलते घर के लिए। तो गाइस फिलहाल घर पे आ गए हैं। एंड सोचा तो मैंने ये था कि आकर के नहाऊंगा, क्योंकि इतनी भयंकर मिट्टी थी रास्ते में। मतलब अब ये जो टाइम होता है ना सर्दी के आसपास का, सर्दी आने लगती है ना। अपने लेकर आ गया दूध। आपको तो एक गमछे में कैसे डाल रखा है, एक्चुअली थैली भी लेकर आया, तो मैं इसको गमछे में डाल दिया। तो बांध चेंज कर देता हूँ, मैं बात कर रहा था मिट्टी की, दूध की बात करने लग गया। तो मिट्टी भयंकर है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है, क्योंकि इस मौसम के अंदर जो है मिट्टी बहुत उड़ती है। तो मैं पूरा भर गया, मन तो क्या नहाने का, लेकिन पानी जो है वो ठंडा ठंडा वाला है, तो फिर अपना नहाए नहीं। तो मैं फ्रिज से क्या ले रहा था मेरे को याद ही नहीं है। तो गैस देखो पापा ने मस्त जो पिलर विलर है, तो पापा करते रहते घर पे काम। खिड़की है ना ये वाली, इसको भी चमका दी एकदम मस्त। ये वाली ये चमका दिया, ये खिड़की चमका दी, सब चमका दिया पापा ने। तो फिलहाल सीन ये है, घर पे आज फिर लेट हो गए और अब लगातार मच्छर आ गया यार। तो लगातार कुछ दिन जो है लेट ही आएंगे अब, क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल खाना खाना, मतलब घर पे आया हूँ, घर पे आते ही पहला काम ये करा खाना खाने का। तो भूख भी लगी, सुबह खाया हुआ है, तो अभी फ़िलहाल खा रहे हैं। अपने क्या खा रहे हैं सोचो, चम्मच लिया मैंने, गैस करो क्या खा रहा हूँ मैं, बता देता हूँ मैं। फिलहाल खा रहे हैं मस्त दाल चावल, साथ में ये आगरे का पेठा, जो कि हम नहीं खाएँगे, मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है। मैं आज पिचकर गाड़े पर जा रहा, पिचकर कौन खाया, चाय पिए बल्कि हमें, गला ख़राब हो रहा है। तो फिलहाल खाना खाने बैठ गए हैं और गिन्ना गिन्नी भी जो है खाना खा रहे हैं। तो गाइस फिलहाल सीन ये है कि थैंक यू सो मच उन सभी को जिनको मैंने पर्सनली व्हाट्सअप किया था अपना स्टेटस, और उन सभी ने अपने स्टेटस पे या जहाँ भी सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और मैं एक बार जानता हूँ आपने इसीलिए लगाया है, देखो एक तो मैंने भेजा है, ठीक है, वो रिगार्ड रखा आपने, थैंक यू सो मच। सेकंड, आप अच्छी लगी वो चीज़, इसीलिए आपने लगाया है। ये जो आइडिया था ना, जो आपने स्टेटस लगाया, जो दिए वाला, वो मेरे मित्र हैं, उन्होंने मेरे को आइडिया दिया, ठीक है, एंड उसके बाद मैंने इसको बनाया। सो मैं, अगर मैं मेरे भाई विकास स्वामी जी को अगर मैं क्रेडिट ना दूँ उस स्टेटस का, उन्होंने मेरे को आइडिया दिया, उन्होंने मेरे को कुछ शब्द दिए, कुछ शब्द मेरे लगाए मैंने, तो उनको अगर क्रेडिट ना दूँ तो फिर गलत चीज़ है। तो उसी प्रकार से जो है हमारे एक मित्र और हैं लोकेश जी, उन्होंने भी मुझे जो है एक आइडिया दिया है एक शॉर्ट बनाने के लिए, जो मैं आज कोशिश करूँगा, आज बना लूँगा, नहीं तो कल की डेट पे तो मैं वीडियो बना ही लूँगा, क्योंकि आज अब मैं वीडियो बनाने तो जा नहीं सकता इसके लिए, तो कल जाऊँगा तो एक शॉर्ट और बनाऊँगा मैं। तो मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि जैसा प्यार आपने, हालांकि पता नहीं यार यूट्यूब पता नहीं कैसे मतलब काम करती है। मैं जिन चीज़ों पर मेहनत करता हूँ ना, उसको बूस्टअप नहीं मिलता, सच बता रहा हूँ, उनको तो कुछ व्यूज़ नहीं मिलते। और जो मैं ऐसे बना देता हूँ ना चलते फिरते, मतलब कुछ भी वीडियो बनाया और अपलोड करते सीधा, मैंने कुछ भी नहीं करा उस पर, कोई मेहनत नहीं की, वो जो है उस पर व्यूज़ मिल जाते हैं। तो ऐसा क्यों करती है यूट्यूब, ये मुझे पता नहीं है। खैर उसका एल्गोरिदम अपने हिसाब से काम करती है। तो एक नया शॉट बनाएंगे, वो आप तक पहुंचाएंगे। प्लीज़ यार, मैं जो वीडियोस बनाता हूं अगर आपको कोई पसंद आ जाए, आप YouTube पर देख रहे हो उसको पसंद आ जाए तो वहीं से लिंक शेयर कर दिया करो, ठीक है, किया करो यार। बहुत मतलब मैं ये नहीं कर रहा कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बट मैं अपने हिसाब से अपना प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी ब्लॉगिंग की लाइफ को जो है बहुत मतलब मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत कोशिश कर रहा हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कर दिया करो। इनका पिंजरा जो है और दूंगा गिरना गिरने का, तो फिलहाल अभी खुदों के पीछे चले गए हैं एंड उसके बाद में फिर अपना काम करने बैठेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा काम ऑफिस का करना है घर को और फिर एडिटिंग वाला काम करना है। फिलहाल इस वीडियो को करते ही पेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टाटा बाय, गुड नाइट। अपना और अपनों का ध्यान रखो। Artificial love, artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost. The teacher to the